भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बीएसएफ ने 5 किलोग्राम हेरोइन बरामद की। वहीं पहली बार प्लास्टिक की बोतल में डालकर भारत की ओर भेजने की तैयारी की गई थी, लेकिन बीएसएफ की मुस्तैदी के सामने तस्करों की ये कोशिश भी नाकाम रही तथा जिसके खेत में ट्यूबवेल लगा हुआ है उस किसान के खिलाफ भी अब बीएसएफ कार्रवाई करेगी। वहीं जानकारी देते हुए डीआईजी जेएस ओब्राय ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कंटीली तारों के पास सर्च अभियान चलाया गया था। इस दौरान खेतों में लगे ट्यूबवेल की जब तलाशी ली गई तो वहां पर कोल्ड ड्रिंक की 2 लीटर की बोतलों में भरी हुई हेरोइन बरामद हुई। उन्होंने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है कि बोतलों में भरकर हेरोइन की खेप को यहां भेजा गया हो। फिलहाल इस संबंध में केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं डीआईजी के मुताबिक अब फसल पूरी तरह से पक चुकी है और उसको देखते हुए अब तस्कर हर तरह का पैंतरा आजमा रहे हैं। आज सुबह तकरीबन 9 बजे के करीब जब फेंस के आगे के इलाके की सर्च की जा रही थी, ड्यूरिंग सर्च हमें कुछ ऐसा सस्पिशियस वहाँ पे सामान दिखा जिसको लगा कि उसके ऊपर ज़्यादा छानबीन करने की ज़रूरत है। तो इमीडिएटली ट्रूप्स ने उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया और उस इलाके में जब सर्च डिटेल सर्च की गई तो वहाँ पे एक प्रोमिनेंट ट्यूबवेल जो पीछे से खेतों में फेंस के नीचे से पानी के लिए जो हमने पाइपलाइन किसानों को दे रखी है वो जहाँ पे ख़त्म होती है उस पाइपलाइन में वहाँ पे कुछ छुपाने का अंदेशा हुआ। जब उसको क्योंकि वो गहरा था, तकरीबन 2 से 2.5 फीट गहरा था, उस हौदी को जब निकाला गया उसमें सामान तो कपड़े का एक बंडल निकला। कपड़े के बंडल में कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ बॉटलें बीच में छुपी हुई हैं। तो वो जब पूरा कपड़ा बाहर निकाला तो उसमें 4 बॉटलें एक ही कपड़े के अंदर बंधी हुई थी, अलग अलग पैकिंग्स में और एक ही कपड़े से डाल के रखी गई थी। उसके साथ ही हमें वहाँ पे पतली एक तार मिली जो जिस तार की लंबाई तकरीबन 70 से 75 फीट थी। अगर वो तार की लंबाई नापी जाए तो हमारे इंडिया साइड में जो ट्यूबवेल का जहाँ शुरुआत होती है वहाँ तक वो पहुँच रही थी। ये एक इंडिकेशन देता है कि फसलों का जो अभी फसल काफ़ी ऊपर आ चुकी है उसका शेल्टर लेते हुए रात को स्मगलर ने ये अटेम्प्ट किया है कि ये सामान को उस हौदी में डाल दिया जाए। और ऑन साइड का जो भी रिसीवर ग्रुप था उसका मकसद था कि उसको किसी तरीके से तार से पीछे खींच लिया जाए और वो इस हिसाब से था कि वो पानी के जो फ्लो था, जो पानी की नाली थी, वो फेंस के नीचे से जाने का हमने परमिशंस दे रखी हैं पूरे पंजाब में किसानों का, ताकि नुकसान ना हो खेतों का, उसका उन्होंने वो फ़ायदा उठाने की कोशिश की। बट क्योंकि ट्रूप्स अलर्ट थे तो ये आइटम सीज किए गए। आपको ये जानकारी हमें देने में खुशी हो रही है कि अमृतसर सेक्टर में ये पहली बार हुआ इंसिडेंट जिसमें कि जो सस्पेक्टेड हेरोइन है उसको पैकेट्स में आमतौर पर आपने सीज देखा होगा, बट इस बार इन्होंने इसको जो पुरानी बॉटल हैं जो कोका कोला की जो पार भी जो है कोका कोला की कंपनी जो है पाकिस्तान में भी अवेलेबल होती है उसको खाली करके उसमें सामान डाला गया है। और ये ग्रैन्यूल शेप में है, ग्रैन्यूल शेप वो क्लियर दिखाता है कि इसकी प्योरिटी का लेवल हाई है। जितना बड़ा वो ग्रैन्यूल सिस्टम होगा दैट इज़ ए इंडिकेटर कि द क्वालिटी इज़ हाई। हाउएवर इसमें जो फाइनल जो है किसकी प्रायोरिटी जिसकी प्योरिटी क्या होगी उसका फाइनल जो है डिसीजन जो कंसर्न्ड एजेंसी हैं, जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, उनके पास सैंपल दिया जाएगा और वही बता पाएंगी कि एग्जैक्ट प्योरिटी कितनी है। बट ये इंडिकेटर है ग्रैन्यूल्स दिखाने का। और सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमृतसर सेक्टर में ये पहला सीजर है जिसमें कि प्लास्टिक बोतलों का इस्तेमाल किया गया है ताकि जवानों को ये लगे कि शायद ये प्लास्टिक की बोतलें ऐसी फीकी पड़ी हैं, शायद किसान छोड़ गए होंगे फेंस के आगे, और उसको डिसीव करने के लिए, जवानों को धोखा देने के लिए ये नया टैक्टिक्स उन्होंने अपनाने की कोशिश की। बट ट्रूप्स बहुत अलर्ट थे, ट्रूप्स जागरूक थे क्योंकि ऐसा इंसिडेंट पड़ोस के फिरोजपुर सेक्टर में एक हो चुका था। वहाँ से हमने लेसन लर्न करके ऑलरेडी अपने ट्रूप्स को बता रखा था कि ऐसा कुछ मोडस ऑपरेंडी स्मगलर कर सकते हैं। उसी के कारण आज ये संभव हुआ कि तकरीबन 5 केजी हेरोइन बीएसएफ द्वारा सीज की गई।
डॉके के इलाके से। डॉके जो है वो हमारे एरर रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, उस इलाके से ये सीज किया गया है। देखिए ऐसा है, बीएसएफ में एक बड़ा सिस्टम मैकेनिज्म डेवलप है कि हम हर एक किसान का जो जिसकी खेती फेंस के आगे है सबका रिकॉर्ड हमारे पास है, और सबका जो कार्ड है वो रिन्यू हम हर साल करते हैं। और रिन्यू के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा वो यही है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले एक साल में क्लियर होना चाहिए, पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम नहीं होना चाहिए। पुलिस से वेरिफिकेशन हम करवाते हैं, जब वो क्लियर कर देते हैं तभी हम पास इशू करते हैं। तो इसलिए वो मैकेनिज्म डेवलप्ड है। इसमें आपकी बात सही है कि कुछ किसानों के कारण बाकी किसानों को इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है, बट इसमें और कोई मैकेनिज्म नहीं है। चेक मैकेनिज्म जो फोर्स के हैं वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि कम से कम किसानों को तकलीफ हो, खासकर अभी जबकि फसल खड़ी है, तैयार है बिल्कुल काटने के लिए। देखिए ऐसा है कि अब सस्पिशन के आधार पर उनका नाम आया है, अगर उसमें तहकीकात में उनका ये प्रूव हो जाता है कि उनका इन्वॉल्वमेंट था, तो उसमें कैंसलेशन की जो है जो प्रोविज़न अवेलेबल है फोर्स को कि वो कैंसिल किया जाएगा जब तक कि वो उनका नाम पुलिस सर्कस में क्लियर नहीं हो जाता।